ओके सो फर्स्ट वन इज ISB सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन बिजनेस एनालिटिक्स. ओके ISB विच इज इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद. ओके ये MBA एग्जीक्यूटिव MBA बहुत सारे कुछ कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी कराती है जो कि बहुत ही एसेंशियल है और बहुत ही डिमांडिंग भी है. ओके सो इसका एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है बिजनेस एनालिटिक्स से रिलेटेड जो कि आपको डेटा विजुअलाइजेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डेटा हैंडलिंग, डेटा मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी इसमें आपको पढ़ने को सीखने को मिलेगा. सो डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है कि डेटा मतलब डेटा की जो भी एनालिसिस हो रही है वो पिक्टोरियल फॉर्म में लाइक चार्ट और ग्राफ फॉर्म में वो एनालिसिस होके आती है तो दैट इट लुक्स वेरी यू नो इंटरेस्टिंग टू फॉलो जो भी उसको पढ़ रहा है. तो वो सारे बहुत सॉफ्टवेयर यूज होते हैं एंड देन उससे वो एनालिसिस ग्राफ फॉर्म में निकल के आते हैं. लाइक वी एम्बेडेड द डेटा इन द सॉफ्टवेयर एंड इट गिव्स अस इट यूज टू गिव अस लाइक ग्राफ्स एंड चार्ट्स. तो वो स्टडी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मार्केटिंग एनालिटिक्स, क्योंकि आजकल हर इंडस्ट्री जो है वो डेटा में, हर जो भी कंसल्टिंग फर्म है वो डेटा में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि डेटा से ही वो अपने जो हिस्टोरिकल डेटा है उसी को स्टडी करके वो निकालते हैं कि अच्छा हमारी जो पास्ट में है हमने क्या अच्छा नहीं किया और क्या हम अच्छा कर सकते हैं आगे चल के. तो देन दे स्टडी लॉट ऑफ डेटा, हिस्टोरिकल डेटा, और उससे एनालिसिस करके दे यू नो दे मेक अप देयर पॉलिसीज, देयर स्ट्रैटेजी और फ्यूचर गोल्स ऐसे करके, और ताकि और प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी कंपनी की कैसे बढ़े. तो ये सब जो चीज़ें हैं ये एनालिटिक्स जो है वो बताते हैं क्योंकि दे एनालिटिक्स मतलब बिजनेस एनालिटिक्स दे डू लॉट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, डेटा ड्रिवन अप्रोच होती है इसमें. तो वो है, तो डेटा से बहुत मतलब डेटा मैनेजमेंट, डेटा हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें बहुत बताते हैं इसमें. तो उसी से मतलब हाउ टू एक्सपोर्ट द यू नो ऑब्जर्वेशन और हाउ टू एक्सपोर्ट द एनालिसिस फ्रॉम द डेटा इज़ वॉट दिस कोर्स इज़ ऑल अबाउट. और इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें, सॉफ्टवेयर जो जो लेटेस्ट है वो आपको इंक्लूड करके पूरा ये कोर्स बनाया गया है. और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है 1 ईयर का. तो अगर आप MBA के बाद अगर सोच रहे हैं कुछ अच्छा करने के लिए और या और मैनेजमेंट कंसल्टिंग या फिर अच्छी कंपनी में स्विच करने के लिए तो आई थिंक यू शुड गो अबाउट दिस कोर्स. ओके सो इट्स अ 1 ईयर पार्ट टाइम कोर्स फ्रॉम द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस. द सर्टिफिकेट एम्पावर स्टूडेंट टू एनालाइज पास्ट बिजनेस परफॉर्मेंस यूजिंग एनालिटिकल टूल एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ इन पर्सन क्लासेस एंड अ टेक्नोलॉजी एडेड लर्निंग प्लेटफॉर्म. और इसकी एलिजिबिलिटी है, टू बी एलिजिबल यू रिक्वायर अ बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड विद अ 2 ईयर्स ऑफ फुल टाइम एक्सपीरियंस प्लस इफ यू हैव MBA देन ऑल्सो यू कैन डू इट विद अ 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. ओके सो दिस इज अबाउट ISB कोर्स. नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. नेक्स्ट वन इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन. सो एज द नेम सजेस्ट बेसिकली ये आपको प्रोजेक्ट मैनेजेरियल रोल के बारे में काफ़ी आपको स्टडी करवाएगा इस सर्टिफिकेशन में. मतलब हर कंपनी में आपको पता है कि मतलब आपको मैनेजमेंट फील्ड में क्या होता है कि आप व्हेन यू दे गिव यू टास्क दे सेड इज इट्स अ प्रोजेक्ट. तो प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करना है, उसकी ईच स्टेप पे आपको आपकी क्या स्टेप होनी चाहिए, है ना, मतलब उसके जितने भी फेजेस हैं दे वो आपको डिटेल में पढ़ाते हैं. सो बेसिकली दे विल टेल यू अबाउट, दे विल यू नो टीच यू अबाउट मैनेजेरियल रोल कि उसको कैसे उसको हैंडल करना है. सो बेसिकली द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन टू वैलिडेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स एंड एनेबल द स्टूडेंट टू एडवांस टू अ प्रोजेक्ट मैनेजेरियल रोल. द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द 1 ईयर कोर्स आर अ 4-year बैचलर डिग्री, एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज अ प्रोजेक्ट लीड. ओके यू कैन ऑल्सो डू दिस प्रोग्राम आफ्टर 12th और विद एन एसोसिएट डिग्री इफ यू हैव एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और इफ यू हैव MBA देन ऑल्सो यू कैन डू इट विद अ 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. सो बेसिकली ये है, यू कैन टेक द टेस्ट ऑनलाइन. द कोर्स कवर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, इट डिसिप्लिन, नॉलेज, एरियाज ऑफ मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स, यू नो एंड वॉट आर द प्रोजेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड विद डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, क्वालिटी रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, रिस्क क्या होता है प्रोजेक्ट हर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स यू नो मैनेजमेंट में, कम्युनिकेशन कैसी रखनी चाहिए, इंटीग्रेशन क्या, टाइम मैनेजमेंट एंड जो भी बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से आसपास जो भी अराउंड की चीज़ें हैं वो पूरा डिटेल में ये कोर्स पढ़ा सकता है. तो अगर आप मैनेजरियल लाइन में हैं तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं एंड इट विल बी अ वेरी यू नो यूजफुल कोर्स आफ्टर MBA. और इफ़ यू हैव अ सर्टेन एक्सपीरियंस एंड यू नो इफ़ यू थिंक कि आप बिजनेस डेवलपमेंट लाइन में हैं, इस लाइन में हैं और आप मैनेजमेंट लाइन में जाना चाहते हैं तो आई थिंक यू शुड डू दिस कोर्स एंड दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर करियर. ओके
द नेक्स्ट वन इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट. आई थिंक ये बहुत ही फेमस है और सभी इसके बारे में जानते हैं. इसको CFA बोलते हैं और ये 3 लेवल में होता है. तो इसको बेसिकली थ्री लेवल्स होते हैं इसके, और 3 लेवल्स पे एग्जाम्स होते हैं और आपको वो क्लियर करना पड़ता है. ये US से एसोसिएटेड है. ओके, और आपको बेसिकली एग्ज़ाम का पूरा भरना होगा, इसका जो भी क्राइटेरिया है फॉर्म है, एंड देन आपको एग्ज़ाम्स देने होते हैं हर लेवल पे, और वो एग्ज़ाम आपके क्लियर हो गए तो आपका CFA क्लियर हो जाता है. बहुत ही डिमांडिंग एवरग्रीन एक प्रोग्राम है, जो कि आई थिंक इसको हर MBA क्या CA भी करते हैं. बहुत लोग जो हु दे आर इन दिस लाइन दे यू नो लाइक टू डू इट, और ये आपको करियर को बहुत ग्रोथ प्रोवाइड करता है. तो बेसिकली इसमें आपको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ने को मिलता है. तो बेसिकली दिस इज़ अ वेरी डिमांडिंग कोर्स, एंड आई थिंक अगर आपने ये किया है तो आपके करियर को एक बहुत बड़ा जंप मिल सकता है. लाइक यू गेट एन एज ओवर अदर्स. ओके, एंड यू कैन यू नो कैन फाइट फॉर अ गुड रोल और इन अ कंपनी, और यू कैन गो फॉर अ गुड पोजिशन फॉर अ कंपनी विद दिस सर्टिफिकेट. सो द CFA इंस्टीट्यूट इन द USA ऑफर्स एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स. बाई कंप्लीटिंग दिस कोर्स यू कैन गेन द फाइनेंस एंड एंटरप्रेन्योरियल नॉलेज नेसेसरी फॉर फाइनेंशियल एनालिटिक्स वर्क इन कॉर्पोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी रिसर्च. ओके, सो अगर आप कॉर्पोरेट फाइनेंस में जाना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहते हो, या फिर आप इक्विटी रिसर्च में, कॉर्पोरेट फाइनेंस में, किसी में भी जाना चाहते हो, तो आई थिंक ये वाला कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. द कोर्स ड्यूरेशन कैन रेंज फ्रॉम 1.5 ईयर्स टू 4 ईयर्स. डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी जल्दी क्लियर कर लेते हो. ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू पास ऑल 3 टू ग्रेजुएट, एंड इट इंक्लूड्स द दीज थिंग्स लाइक इकोनॉमिक्स, इन्वेस्टमेंट बिजनेस, इन्वेस्टमेंट एथिक्स, रेगुलेशंस, बहुत सारी चीज़ें ये कोर्स कवर करता है. तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी एवरग्रीन एंड वेरी डिमांडिंग कोर्स, सो यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट दिस. नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेट प्रोग्राम. ओके, सो ये वाला जो कोर्स है, ये रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एडवाइजरी जो होती है ना कंपनीज में, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप इस तरह की जॉब में करना चाहते हो. सो बेसिकली द फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑफर्स एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल सर्टिफिकेट दैट कैन इनेबल यू टू अंडरटेक फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट वर्क विद इन्वेस्टमेंट बैंक्स, कॉर्पोरेट और एसेट मैनेजमेंट फर्म. यू रिक्वायर अ बैचलर डिग्री टू बी एलिजिबल फॉर द कोर्स, एंड यू कैन कम्प्लीट इट इन 1 ईयर आफ्टर पासिंग द 2 FRM एग्जाम्स. यू कैन विजिट द ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स लाइक GARP टू रजिस्टर फॉर द सेल्फ स्टडी कोर्स एंड परचेज द स्टडी मटीरियल. एंड डिपेंडिंग ऑन योर नॉलेज ऑफ फाइनेंस, यू मे नीड 4 मंथ्स टू प्रिपेयर फॉर ईच FRM एग्जाम्स. ओके, तो इसमें भी आपको लाइक रजिस्टर करा के और आप ये कोर्स कर सकते हो, और इसमें आपके इस वेबसाइट पे आपके सारी इन्फॉर्मेशन होगी, एंड देन यू कैन रजिस्टर, एंड देन यू जस्ट हैव टू पास द एग्जाम. या सो बेसिकली दीज आर द सर्टिफिकेशन कोर्सेज दैट आर लाइक वेरी इन मच इन डिमांड, एंड दे आर इन ट्रेंड एक्चुअली, स्पेशली द बिजनेस एनालिटिक्स कोर्सेज. सो या आई थिंक यू शुड थिंक अबाउट दीज कोर्सेज वंस इफ यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज इन योर करियर. दिस विल डेफिनेटली ब्रिंग सम डिफरेंस इन योर करियर इफ यू डू दीज कोर्सेज. आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो. बाय.